हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के हिंदी के चैप्टर एक माँ की बेबसी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं, जैसे बचपन का चित्र, बचपन के खास समय खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। यानी कि ये जो कविता है, इसको पढ़ते टाइम जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में कुछ इमेजेस बनेंगे, कुछ चित्र बनेंगे। अब वो कैसे चित्र बनेंगे? वो बचपन का चित्र बनेगा हमारा, वो हमारे बचपन के खास समय का, खास खेलों का चित्र बनेगा, उनके साथियों का चित्र बनेगा। और उन साथियों में भी एक बहुत ही खास, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रतन, और उसकी माँ का चित्र बनेगा। वो क्यों बनेगा, वो ऐसे खास क्यों है, वो इस पोएम में, वो इस पार्ट में, हम लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि उनका चित्र क्यों बनेगा। तो इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। यानी कि जो पोएम जो होती है ना, वो बहुत धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ें, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। कई बार उस छोटी सी पोएम में बहुत गहराई होती है, उसके अर्थ को समझने में हमें बहुत टाइम लगता है। और कभी कभी जब हम बरसों बाद अपने बचपन में पढ़ी उस कविता को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसे हम फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उसका जो मीनिंग है वो हमारे लिए चेंज होता जाता है, उसकी गहराइयां जो है वो हमारे लिए बढ़ती जाती हैं। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। यानी कि अगर कोई पोएम हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसका डीप मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो वो हमारे मन के किसी कोने में घर बना लेती है। घर बना लेती है मतलब वो हमारे दिल में बस जाती है, वो हमें अच्छी लगने लगती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। और फिर जब कोई खास मौका उससे रिलेटेड आता है, मान लो हमने कोई बचपन से रिलेटेड कोई पोएम पढ़ी है, तो बचपन से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ आएगी, कोई इंसिडेंट होगा, तो वो कविता हमारे सामने उभर के आ जाएगी। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी समझ आ रही है या नहीं। यानी कि जो कविता और कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं तो सबके साथ यही होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमने एक बार उस पोएम को पढ़ा, उस कविता को पढ़ा और वो पूरी तरह से हमें समझ में आ जाए। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। यानी कि अगर आप कविता को पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में उसकी कोई इमेज क्रिएट हो रही है, यानी कि आप उसको पढ़ते पढ़ते हमारा जो दिमाग है वो उसको इमेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा है, हमारे दिमाग में चित्र बन रहा है, तो भी वो कविता का जो पढ़ना है वो हमारे लिए कामयाब हो जाता है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह ही, वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो ये जो पोएम है ये दी गई है, इसमें क्या है, स्टार्टिंग में ही कवि ने लिखा है, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, कौन, रतन जो बोल नहीं सकता था। यानी कि रतन नाम का जो लड़का है वो इस जिसका इसमें जिक्र किया गया कि बहुत ही खास है, उसका चित्र जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो सामने आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि रतन जो है वो लड़का वो बोल नहीं सकता था। यानी कि उसकी जो बोलने की जो पावर है वो नहीं थी। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था। अब अदृश्य पड़ोस क्यों कहा गया है, क्योंकि अदृश्य पड़ोस यहाँ में भी इसलिए कहा गया होगा कि वो बोल नहीं सकता था, तो किसी से उसका जो संवाद है वो नहीं होता था, बातें नहीं होती थी, तो शायद वो पड़ोस में रहते हुए भी एक अदृश्य पड़ोस से, अदृश्य क्या होता है, जो दिखाई ही ना दे, यानी कि ऐसे पड़ोस से जहां से वो दिखाई ही ना दे, तो ऐसा इसलिए शायद कहा गया क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, तो किसी से उसके जो संबंध थे किसी को बात अपनी समझा नहीं पाता था।
खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। अब टूटा खिलौना क्यों बोला गया है, टूटा खिलौना यानी कि जो खिलौना थोड़ा सा टूट जाता, कोई डिफेक्ट हो जाता है। इसको रतन को टूटा खिलौना क्यों बोला गया, क्योंकि वो बोल ना पाने के कारण दूसरे बच्चों से अपनी बात, अपनी चीज़ें उनको समझाने में असमर्थ है, तो इसलिए उसको टूटे खिलौने की तरह बोला गया है। देखने में हम बच्चों की तरह ही था, वह भी एक बच्चा, यानी कि जैसे बाकी बच्चे होते हैं वैसे ही वह भी एक बच्चा ही था, लेकिन हम बच्चों के लिए क्या था, वो अजूबा था, यानी कि कुछ वो अलग था बाकी बच्चों से। बच्चा था वो, बाकी बच्चों की तरह ही दिखता था, लेकिन अजूबा क्या था कि बाकी बच्चों के लिए बहुत ही अलग था वो, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। घबराते थे हम उससे क्योंकि उसकी घबराहटों को समझ नहीं पाते थे, मतलब घबराहट किस चीज़ के लिए उसको होती थी, तो मे बी उसको घबराहट होती थी कि मैं अगर अपनी बात सामने वाले को बताऊंगा, किसी को मैं अगर अपनी बात बताऊंगा, तो वो मेरी बात को कैसे समझेगा, क्योंकि बोल वो नहीं पाता था। जो इंसान बोल नहीं सकता वो अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करें, सामने वाले को कैसे समझाए कि उसे क्या चाहिए, क्या करना है, तो इसलिए वो शायद घबराता था। और उसको देख के हम भी घबराते थे, यानी कि जो कवि है वो भी बता रहा है कि हम लोग भी उसको देख के घबराते थे, क्योंकि हम उसकी घबराहट को समझ ही नहीं पाते थे कि वो किस लिए घबरा रहा है। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसकी अंदर की छटपटाहटों को। तो कभी जो है वो बोल रहा है कि जो इशारों में वो बातें करता था हम उसको समझ नहीं पाते थे। उसकी भयभीत आँखें मीन्स कि डरी हुई आँखें, यानी कि उसकी आँखों के अंदर जो डर हमें दिखता था, उसके अंदर की छटपटाहट, यानी कि जैसे छटपटाहट हम बोल सकते हैं, जैसे मछली होती है, मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दें तो छटपटाती है कि वो मुझे कहीं से पानी मिल जाए, तो ऐसे ही छटपटाहट उसके अंदर होती थी कि काश मैं एक बार बोल के बताऊँ सामने वाले को, और सामने वाले को मेरी जो बात है वो समझ में आए। तो के अंदर एक ऐसी छटपटाहट होती थी कि मैं अपनी बात को कैसे भी करके सामने वाले को बता दूं, तो उसकी उन्हीं जो है आंखों में उनको भय दिखाई देता था। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, यानी कि जितनी देर वो बाकी बच्चों के साथ रहता था उसकी माँ भी उसके पास बैठी रहती थी और निहारती रहती मीन्स कि उसको देखती रहती थी कि वो कैसे खेल रहा है, क्या कर रहा है। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। अब कभी बोल रहा है कि उस समय तो हम लोग बच्चे थे, हमें भी समझ नहीं आता था कि इसकी माँ जो है वो हर टाइम क्यों बैठी रहती है, क्यों इसको देखती रहती है, पर जब हम समझने लगे हैं कि बोल ना पाने की जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है, उसमें कितना डर लगता है कि सामने वाला हमारी बात समझ ही नहीं रहा है, तो अब क्या है, अब याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कभी बोल रहा है कि रतन से भी ज़्यादा हमें उसकी माँ की याद आती है, क्यों आती है, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि वो क्यों बैठी निहारती रहती थी, तो उसके अंदर एक बेबसी थी, यानी कि वो बेबस थी, वो चाहती थी कि उसका बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह खेले, बाकी बच्चों की तरह बोले, पर वो बेबस थी, यानी कि वो कुछ भी वहाँ पे नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बेबस थी, और इसीलिए इसका पोएम का जो नाम है वो एक माँ की बेबसी रखा गया है। और इसके जो कवि हैं वो हैं राजेश जोशी जी। तो उम्मीद है कि ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।